खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्दू चौड़ में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद जिले के पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए महज 2 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह घटना ग्राम देवरामपुर में आपूर्ति निरीक्षक मोहित कठैत की अध्यक्षता में आयोजित सस्ते गले की दुकान की बैठक के दौरान हुई थी, जहां मोहित जोशी और राजू पांडे के बीच कहासुनी के बाद वाद विवाद बढ़ गया था। बताया जा रहा है कि घटना के बाद वादी कैलाश चंद्र अपनी दुकान दौलिया हल्दी चौड़ पहुंचा, तभी 3 कारों में सवार आरोपियों ने उस पर पथराव और गोलीबारी की। वहीं इस घटना का संज्ञान लेते हुए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर सतीश सनवाल, भगत सिंह दरियाल, विजय जोशी, राजेंद्र पांडे, हिमांशु बमेठा और मोहित जोशी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही घटना में उपयोग हथियार और वाहनों को भी कब्जे में लिया गया। इसके तहत ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। साथ ही एसएसपी ने सभी पुलिस कर्मियों को उनकी तत्परता के लिए सराहा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लालकुआ थाना क्षेत्र में एक सरकारी दुकान के आवंटन को लेके 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को डराने के लिए और वहाँ अपना वर्चस्व जमाने के लिए उनके ऊपर जो है फायर किया और जो है उसको जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने तत्काल FIR रजिस्टर की और FIR रजिस्टर करते हुए इसमें 6 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया। साथ ही जिस वेपन से गोली चली है वो वेपन भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया है। जो ये 6 लोग गिरफ्तार किए हैं, इनमें से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास है और ये लोग पूर्व में भी आपराधिक जो गतिविधियां उनमें संलिप्त रहे हैं। अभी तक की जो पूछताछ उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश से ये इस तरीके का इलीगल वेपन लेके आए हैं और जो बाकी अभियुक्त हैं उनके बारे में, जो उनका आपराधिक इतिहास के बारे में पूछताछ चल रही है।